हाय एवरीवन, कैसे सभी सभी आईपीएस पीओ क्लर्क एसओ का रिजल्ट आप लोग का मैसेज भी आ रहा था कि कमेंट्स आ रहा था कि हाँ भाई मेरा पीएनबी में सिलेक्शन हो गया, मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है, क्लरिकल में पीओ में बहुत सारे लोग का दोनों भी सिलेक्शन हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। सो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू गाइस। बस आप लोगों का ये कमेंट था कि डीवी का बारे में थोड़ा बता दीजिए और क्या कैसे रहता है जॉइनिंग प्रोसीजर वगैरह। देखो सब कुछ ही डीवी बीच वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले बता दो जॉइनिंग के बारे में, आपका जो आईपीएस के अंदर इतने भी सारे पीओ क्लरिकल जो भी एसओ जो भी सिलेक्शन हुआ है, आपका पहला जो बैंक आएगा आगे जॉइनिंग के लिए वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। आपका पहला डीवी का डेट, मेडिकल का डेट या फिर जॉइनिंग का जो है मेल, सब कुछ आएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र से पहले। उसके बाद धीरे धीरे हर बैंक जो है आपको जॉइनिंग का लेटर भेजेंगे। सबसे लास्ट जो होता है, इससे पहले अगर मैं बात करूँ, सबसे लास्ट जो होता है वो पीएनबी और कैनरा का होता है सबसे लास्ट में। तो मान चलो कि अभी भी आपके पास 5 से 6 महीने के टाइम है पीएनबी करने के लिए, अगर मैं लास्ट रिकॉर्ड के साथ जाऊँ, ठीक है, हो सकता है इस बार आगे हो जाए, बट बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये 100% है आपको पहले आएगा। उसके बाद अगर बात करूँ डीबी और जॉइनिंग के बारे में, देखो डीबी जॉइनिंग के बारे में मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पे आपको बताते हुए, क्योंकि इससे पहले मैंने आईपीएस के जितने भी सारे डीबी और जॉइनिंग प्रोसेस है मैं उसका ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि लास्ट ईयर बना था। वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कलर में दे दूंगा, कमेंट कलर में भी उसको पिन कर देता हूँ और वीडियो के एंड में भी उसको दे दूंगा जो कि पॉपअप होगा, आप वहाँ से जाके पूरे के पूरे डिटेल आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ और डाउट्स है कमेंट करना मेरे साथ, और जितने भी सारे कमेंट्स आएगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। और मुझे मेरे साथ जुड़ सकते हो टेलीग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, जो कि आईडी डिस्क्रिप्शन में है, ओके। सो कुछ क्वारी है जरूर कमेंट करना, वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी ये जो इन्फॉर्मेशन है मिल सके। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।